इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैनुअल गाड़ी के फंक्शंस और इसके गियर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए इंतजार हैदर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर खैर से होंगे। जैसा कि आपने पिछली दफ़ा देखा होगा, मैंने आप लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी के फंक्शंस बताए थे, आज मैं आप लोगों को मैनुअल गाड़ी के फंक्शंस दिखाने जा रहा हूँ। लिहाजा वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं इन फंक्शन से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट का बटन है, ये भी लाइट का बटन है, ये डिम लाइट का बटन है और ये हाई बीम का लाइट है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये हाई बीम लाइट लग गई है, आप इसको प्रेस करेंगे तो लो बीम लाइट लग जाएगी। इसके बाद आते हैं इस चीज़ पे, जैसे कि हमने ऑटोमेटिक गाड़ी में देख लिया था कि यहाँ पे लाइटिंग का जो सिस्टम था वो यही से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन इसमें लाइट यहाँ से ऑपरेट नहीं होती, इसके यहाँ पे अपने बटन्स बने हुए हैं। तो ये सिर्फ इंडिकेटर्स के लिए है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर लग जाएगा और इसको आप नीचे की तरफ करते हैं तो राइट इंडिकेटर लग जाएगा। इसको अगर आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये बीम लाइट करेगा, अगर आपने किसी के पास के साथ फ्लैश लाइट लगाना है, किसी को फ्लैश करना है तो ये फ्लैशिंग का काम देगा। अच्छा जी, इंडिकेटर के बाद हम आते हैं इस तरफ, ये वाइपर्स के लिए है। अगर आपको शीशे पे पानी डालना है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो शीशे पे पानी आ जाएगा और वाइपर भी काम करेंगे, आपका शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर बारिश शुरू हो जाती है, बिल्कुल बारिश आराम से है, तो आप इसको प्रेस करेंगे, ये 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद आपका शीशा साफ़ करेगा। अगर बारिश तेज़ है तो आप इसको लो पे रख सकते हैं, अगर बारिश बहुत तेज़ है तो आप इसको हाई पे रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इन फंक्शंस पे। इन फंक्शंस पे आप ये देख सकते हैं, इस पे बाहर की तरफ से एरो अंदर की तरफ आया है, तो इसका मतलब है कि ये हवा को अंदर के बाहर की तरफ से अंदर। अच्छा जी, वाइपर्स के बाद आप ये देख लें, यहाँ पे ये गाड़ी का निशान बना हुआ है और एक एरो का निशान उस पर अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि जब आप एसी लगाएंगे तो ये आपको फ्रेश हवा बाहर की तरफ से अंदर लेके आएगा और उसे ठंडा करेगा। ये आप उसके बाद ये एरो है, ये इसका मतलब है कि एसी अंदर की हवा को ही ठंडा करेगा, ये हवा को शीशे की तरफ फेंकता है, ये शीशा और पाँव की तरफ दोनों की तरफ फेंकेगा, इसका मतलब है कि हवा सिर्फ पाँव की तरफ है, ये पाँव और सर की तरफ है और यहाँ पे आखिरी ये सर की तरफ है। ये निशान है, इस पे अगर आप ठंडा का आपको जो ठंडी हवा आपको चाहिए तो आप इसको इस तरफ करेंगे तो आपको ये फ़ैन आपको ठंडी हवा देगा, अगर आप इसको इस तरफ पे लेके आते हैं तो फ़ैन आपको गर्म हवा देगा। ये फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन के 4 स्पीड्स हैं इसमें, आप इसको 1 पे रखना चाहते हैं, 2 पे, 3 पे, जिस तरह रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी पर। ये एसी का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आपका एसी ऑन हो जाएगा, इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका एसी ऑफ हो गया। इसके बाद ये कैसेट प्लेयर है, यूएसबी प्लेयर है और ऑक्स केबल भी इसमें काम करता है। इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, अगर आपके मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत है तो आप इससे चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, इसमें मैं अपना मोबाइल रखता हूँ। अच्छा जी, इन फंक्शंस के बाद हम आते हैं गियर पे। गियर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड R। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो सेंटर की लकीर है इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, जो अभी फ्रीली मूव हो रहा है, इसका मतलब है ये अभी न्यूट्रल पे है। फर्स्ट गियर लगाने का तरीका ये है कि आप इसको फुल लेफ्ट पे करेंगे देन अप करेंगे तो आपका फर्स्ट गियर लग गया। इसके बाद आप सेकेंड लगाना चाहते हैं तो फुल डाउन करेंगे, उसके बाद दोबारा डाउन करेंगे उसी लेफ़्ट पे देन डाउन, देन ये आपका सेकंड लग गया। सेकंड से आप थर्ड पे आना चाहते हैं, अप करेंगे गियर को सेंटर पे लेके आएंगे देन अप करेंगे तो आपका थर्ड आ गया, ये अभी इस जगह पे खड़ा है। इसके बाद आप फोर करना चाहते हैं तो आप इसको डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद आप इसको दोबारा डाउन करेंगे तो ये फोर्थ पे आ गया। इसके बाद आप फिफ्थ पे जाना चाहते हैं तो आप इसको अप करेंगे, अपनी तरफ राइट साइड पे करेंगे देन अप करेंगे तो आपका फिफ्थ गियर लग गया है। इसके बाद आप वापस न्यूट्रल पे आना चाहते हैं तो इसको दोबारा डाउन करेंगे तो ये न्यूट्रल पे आ गया है।
रिवर्स लगाने का तरीका ये है कि आप इसको राइट पे करेंगे देन फुल डाउन करेंगे, जैसे कि ये यहाँ डायग्राम पे लिखा भी है कि फुल राइट करेंगे देन डाउन करेंगे, तो ये आपका रिवर्स हो गया है। इसके बाद हम वापस न्यूट्रल पे जाते हैं, तो इसको सही अपनी जगह पे आपने अप करना है देन छोड़ देना है, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। गियर चेंज करने का तरीका ये है कि जब भी आप गियर को हाथ लगाएंगे तो चेंज करने से पहले आपने क्लच फुल प्रेस कर देना है, उसके बाद आपने गियर लगा देना है। जैसे ही गियर लगा लिया क्लच को आप छोड़ देंगे। अभी आपने दोबारा सेकंड पे आना है, तो दोबारा आपने क्लच प्रेस किया है, इसको सेकंड पे ले आए, ठीक है, दोबारा क्लच छोड़ देना है। उसके बाद आपने थर्ड पे जाना है, तो क्लच दबाएंगे, उसके बाद अप करेंगे देन अप करेंगे, तो आपका थर्ड हो गया। इसके बाद इसी तरह सेम इसी तरह आपने फोर्थ लगाना है, फिफ्थ लगाना है, और रिवर्स पे जाना है, तो रिवर्स का भी यही सेम तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकली ड्राइव करके दिखाऊंगा, लिहाजा उस टाइम तक आप मेरा चैनल देखते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।